वेलकम टू कुंडवा टाइम्स पुणे, दिस इज़ राहिल योर होस्ट। आप सभी लोगों का हमारे पेज पर स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कातरज में एक हॉस्पिटल को बनाया गया था, एक होटल को कन्वर्ट करके, जो वहाँ के कॉरपोरेटर वसंत मोरे जी ने। और ऐसे ही हमारे शहर के कई अच्छे लोग जो इस एरिया के कॉरपोरेटर हैं, अभय बागुल जी, उन्होंने गणेश क्रीड़ा मंच, जो स्वारगेट के पास कला क्रीड़ा मंडल है, वहाँ पर बेड्स की फैसिलिटीज अवेलेबल करने वाले हैं अभी। और यहाँ पर थोड़ा बहुत काम पूरा हो चुका है और अभी हम इसका जायज़ा लेंगे और आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। और हमारे साथ यहाँ पर है सोशल वर्कर इमरान तांबुली जी, जो आपको बताएंगे इसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी गणेश कला क्रीड़ा मंच में अपन यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो पूना शहर के कांग्रेस के गट नेता है, माननीय आबा बागुल, जो इधर के कॉरपोरेटर भी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा नियोजन यहाँ पे किया है गणेश कला क्रीड़ा मंच में। और 100 बेड का इंतज़ाम उन्होंने पुणे महानगर पालिका से पूरा इधर 100 बेड का इंतज़ाम किया है। आप देख सकते हो गणेश कला क्रीड़ा, ये सख्त ज़रूरत पुणे को आज ये चीज़ की थी, जो कम से कम 100 बेड तो यहाँ पे चालू हो गए, फिलहाल होने वाले हैं, यानी 1-2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन की लाइन का काम चालू है, बाकी पूरी तरह से यहाँ पे काम हो चुका है। तो माननीय आबा बागुल साहब ने जो इधर काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है, वाकई में तारीफ के लायक है। और हम भी यही चाहते हैं कि पूना के जितने भी अपने नगर सेवक कॉरपोरेटर वगैरह है, उनसे गुजारिश करते हैं कि पूना में आज बहुत सी ज़रूरत है ये बेड की, ऑक्सीजन की, जहाँ पे लोग और बेड के लिए घूम रहे और बेड नहीं मिल रहा है। पूना के बाहर तक पूना के लोग जा रहे हैं तो बेड नहीं मिल रहा है, इसी हालत पूना में यहाँ पे हुई है। और ऐसे टाइम पर माननीय आबा बागुल साहब ने यहाँ पे 100 बेड का इंतज़ाम किया है, वाकई में तारीफ के लायक है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बस ऑक्सीजन का यहाँ पे काम बाकी है और वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। और जैसा ऑक्सीजन का काम पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है 1-2 दिन का काम और शायद है, और यहाँ पे बेड पेशेंट को अवेलेबल हो जाएंगे। इसीलिए पूना वासियों से भी मेरी बहुत अपील करना चाहूँगा मैं, कि जैसे कि आप न्यूज़ पे देख रहे हो कि पूना में बहुत कोरोना बढ़ रहा है, पूना में एक ही फैमिली में, पूरी फैमिली के अंदर 5-5 जन देहांत कर जा रहे हैं, जिनका मृत्यु हो रहा है, इसकी वजह से आप पैनिक मत हो। ये सब चीज़ें पैनिक ज़्यादा होने की वजह से ये सब मामले बढ़ रहे हैं, बस ज़्यादा पैनिक मत हो। अभी बहुत सी कंट्रोल पूना में हुआ है, बहुत सारा कंट्रोल किया है, बहुत सारे पुणे महानगर पालिका के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं, पूना के अपने कॉरपोरेटर जो है वो भी बहुत सतर्क हो गए हैं, इसके काम के पीछे लगे हैं कि कैसा बचाना है। हमारे पालक मंत्री भी रात दिन यही सोच रहे हैं कि कैसा इसको कवर किया जाए जल्द से जल्द। लेकिन फिर भी मैं उनको अपील करूँगा, पालक मंत्री, हमारे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, हमारे पालक मंत्री अजीत दादा पवार, उप मुख्यमंत्री, इन सब से मैं अपील करूँगा, माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, की पूना की हालत बहुत सी गंभीर है, आपको यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे बहुत से इधर आप में भी बहुत सारी जगहें हैं, और ये सब जगहें आप कवर करके यहाँ पे बेड का इंतज़ाम, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर सकते हैं और लोगों की बहुत सी सहायता आप कर सकते हैं। पुणे महानगर पालिका ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा नियोजन किया है। अब मैं थोड़ा बहुत प्लाज्मा के बारे में बोलूँगा, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा प्लाज्मा के बारे में बोल रहे हैं कि प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, भाग रहे यहाँ वहाँ। कुछ चंद दिनों पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात, नेशनल हॉस्पिटल में मेरे कोई रिलेटिव में एक एडमिट थे, उनको प्लाज्मा के लिए ज़रूरत थी, तो हमने ग्रुप में जो भी प्लाज्मा उनको चाहिए था ग्रुप का, वो मैसेज डाला। एक नौजवान लड़का, मैं सलूट करना चाहूँगा उसको, वो खुद होके, वो नासिक का है प्रॉपर, जॉब के लिए यहाँ पर है, प्रॉपर खुद होके आया और मुझे बोला कि 3 महीना पहला कोरोना मुझको हुआ है, मैं खुद आपको देना चाहता हूँ। तारीफ के लायक है, उसका नाम शायद अजहर तांबोली है, जो रहता है पूना में। उसने शायद 1 से 2 बार भी प्लाज्मा दे चुका है, लेकिन आगे खुद होके आया। ऐसे ही मैं पूना के नौजवानों से अपील करूँगा कि खुद होके आगे आए, डेयरिंग करे। प्लाज्मा देने से कुछ नहीं होता है, ना ही कुछ साइड इफेक्ट होता है, ना ही वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये स्लिप प्लाज्मा निकाल के लोगों की ज़िंदगी अपन बचा सकते हैं, इस वक्त लोगों की ज़िंदगी के लिए, लेकिन अगर अपने हाथ में है तो अपन कर सकते हैं। तो फिर से मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है
कि आप प्लाज्मा के लिए जितने भी यंग बॉयज़ है, जितने भी अपने नौजवान सामाजिक कार्यकर्ते हैं, उनसे भी अपील करूँगा कि आप आगे आए और आगे आके प्लाज्मा डोनेट करें जिसको कोरोना होके गया है। और कुछ ब्लड ग्रुप बैंक ऐसी भी है जहाँ पे आप प्लाज्मा देने के लिए वो लोग ब्लड लेते हैं, तो ब्लड देने के लिए भी नौजवान आ गया है उसके बजाय वो लोग प्लाज्मा दे देते हैं। इसीलिए मेरे को सब नौजवानों से अपील है। और दूसरी एक बात कहना चाहूँगा, सामाजिक जो भी कार्य क्षेत्र करते हैं इन लोगों से, कि पूना की परिस्थिति फिलहाल ऐसी चल रही है कि लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं कि पूना में बहुत बढ़ रहा है, एक एक फैमिली में इतने लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल की हालत ये है, कब्रस्तानों की हालत ये है और शमशान भूमि की हालत ये है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, ये जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सामाजिक कार्यकर्ते जो है, कि ऐसी पोस्ट ना करें जिससे लोगों को दहशत हो, और ऐसा व्हाट्सअप फेसबुक पे शेयर ना करें जैसे कि वीडियो हॉस्पिटल में लाशें पड़ी हुई है, कब्रस्तान में बहुत सारे कब्रें खोदी हुई है और शमशान भूमि में बहुत सारी लाशें जलने के लिए है। ऐसी कोई पोस्ट ना करे, दहशत ना फैलाए, लोगों को पैनिक ना करे, इससे ये मामला ज़्यादा बढ़ रहा है। अपील करे कि बस घर में रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मामला कंट्रोल में आ रहा है, मामला कंट्रोल में आ रहा है। और दुआ करे अल्लाह से, भगवान से, कि जल्द से जल्द यह मामला कंट्रोल में आ जाए। और जो लोग बेचारे घूम रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, बेड के लिए, प्लाज्मा के लिए और इंजेक्शन के लिए, उन सबको राहत मिले, उन सबको ऑक्सीजन मिले, बेड मिले और सब ठीक हो जाए, पहले जैसा पुनः फिर से यहाँ पे हो जाए, यही अपील मैं पुनः वासियों से करूँगा। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सो गाइस, टेक दिस एज एन इंस्पिरेशन। हर एक एरिया के नगर सेवक, जो भी सोशल वर्कर है, सब पीएमसी के साथ मिलकर अपने अपने जगह पे, जहाँ भी जगह अवेलेबल है वहाँ पे आप ऐसे बेड्स का और ऐसे सेंटर्स का आयोजन कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हो। ये जल्दी शुरू हो जाएगा। थैंक यू, और अपना ख्याल रखिए सब लोग।